ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से। खबर है कि सुरंग में पिछले 12 दिन से फंसे 41 मजदूरों को कुछ घंटों के अंदर बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक सिलक्यारा की तरफ से पाइप डालने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। ड्रिलिंग का काम पूरा होने के बाद एनडीआरएफ की 15 सदस्यों की टीम हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर के साथ 2.5 फीट चौड़े पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंचेगी। इसके बाद सुरंग में फंसे लोगों को बाहर के हालात और मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो फिर एनडीआरएफ के जवान पहिए लगे स्ट्रेचर की मदद से मजदूरों को धीरे धीरे बाहर निकालने का काम शुरू कर देंगे। प्रियंका वहां मौजूद हैं। प्रियंका, तो अभी और कितना टाइम? देखिए किशोर, अभी जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आई है तो 48 मीटर की जो ड्रिलिंग है वो हो चुकी है, लेकिन मशीन में तकनीकी गड़बड़ी आ गई है, प्लेटफॉर्म उसका डिस्टेबलाइज हो गया है, तो उसको अभी ठीक करने का काम किया जा रहा है, जिसमें समय लग सकता है, जिसमें 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है, और उसके बाद ड्रिलिंग को दोबारा शुरू किया जाएगा। और अभी 48 मीटर क्योंकि हो गया है और 57 से 60 मीटर के बीच में हम मलबा को मान रहे हैं, तो तकरीबन 9 मीटर का और उसके बाद ड्रिलिंग रह जाएगी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि 7 से 8 घंटे में ये जो तकनीकी खराबी फिलहाल बताई जा रही है इसको ठीक कर लिया जाएगा, और उसके बाद ड्रिलिंग का जो काम है वो 9 मीटर तक का जो ड्रिलिंग का काम है उसको फिर करना मशीन शुरू करेगी। तो तकरीबन अभी कुछ घंटे और, मतलब माना जाए तो कल दिन तक शायद जो मजदूर है वो बाहर आ पाएंगे। किशोर जी, शुक्रिया प्रियंका आपका। यानी ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर उत्तरकाशी से मजदूरों के बाहर निकलने की खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेदते हुए ताकतवर मशीनों से पाइप डालने का काम अपने आखिरी पड़ाव में है। और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक सुरंग में जिस जगह मजदूर फंसे हैं वहां तक पाइप करीब करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए सिलक्यारा की ओर से सुरंग के एंट्री पॉइंट से एक के पीछे एक पाइप जोड़कर 6-6 मीटर लंबे पाइप डाले गए। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती तब खड़ी हो गई जब बुधवार रात मलबे में ड्रिलिंग के दौरान सरिया आ गया, जिसकी वजह से सुरंग में पाइप डालने का काम रोक दिया गया। उस वक्त करीब 45 मीटर तक पाइप डाला जा चुका था, जबकि सिलक्यारा की तरफ से सुरंग में 60 मीटर के दायरे में मलबा गिरा हुआ है, मतलब 15 मीटर की खुदाई का काम बाकी था, जिसके लिए मलबे में 6-6 मीटर के 3 पाइप एक के पीछे एक जोड़कर डाले जाने थे। विशेषज्ञों के मुताबिक एक पाइप को मलबे में डालने के लिए करीब 4 घंटे का वक्त लगता है। बताया गया कि पहले 900 मिलीमीटर यानी 3 फीट चौड़े 4 पाइप डाले गए, इसके बाद मलबे में 800 मिलीमीटर यानी 2.5 फीट से ज्यादा चौड़ाई वाले पाइप डाले गए, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही पाइपों से बनाई गई इस सुरंग से मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। और एनडीआरएफ की टीम ने मजदूरों को रेस्क्यू करने की पूरी तैयारी भी कर ली। टनल के बाहर हर उस चीज का इंतजाम किया गया है जिसकी जरूरत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पड़ेगी, यानी सुरंग में ड्रिलिंग का काम पूरा होने के बाद एनडीआरएफ की टीम एक्शन में आ जाएगी, क्योंकि सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने की पूरी जिम्मेदारी एनडीआरएफ को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक ड्रिलिंग का काम खत्म होने के बाद, या यूं कहें कि मजदूरों तक पाइप पहुंचने के बाद, एनडीआरएफ की 15 सदस्यों की टीम हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर के साथ 2.5 फीट से ज्यादा चौड़े पाइप से अंदर जाएगी। इस टीम में डॉक्टर भी शामिल होंगे जो टनल में फंसे मजदूरों की जांच करेंगे। इसके बाद सुरंग के अंदर फंसे लोगों को बाहर के हालात और मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी। डॉक्टरों के मुताबिक सुरंग के अंदर और सुरंग के बाहर तापमान में बहुत ज्यादा फर्क होगा, इसी वजह से मजदूरों को तुरंत बाहर नहीं लाया जाएगा। टनल से सबसे पहले उन मजदूरों को निकाला जाएगा जिनकी हालत ज्यादा खराब होगी। मजदूरों को कमजोरी महसूस होने पर एनडीआरएफ की टीम उन्हें पाइप में पहिए लगी ट्रॉली और स्ट्रेचर से बाहर खींचकर निकालेगी, और बाहर आने के बाद फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाएगा। ये सब कुछ तब होगा जब मजदूरों तक पाइप की सुरंग पहुंचेगी। लेकिन बुधवार रात रेस्क्यू टीम की मुसीबत तब बढ़ गई जब ड्रिलिंग के दौरान अमेरिकी ऑगर मशीन में सरिया फंस गया। इसकी वजह से पूरी रात काम नहीं हुआ, क्योंकि सरिया फंसने से मशीन एक बार फिर खराब हो गई, जिसकी वजह से मलबे में पाइप को धकेलने का काम रुक गया। इसके बाद मलबे के बीच में आए सरिये को हटाने का प्लान तैयार किया गया। इसके लिए एनडीआरएफ की एक टीम को गैस कटर के साथ पाइप के जरिए उस जगह भेजा गया जहां ड्रिलिंग के दौरान सरिया आया। बाद में सरिये को काटकर अलग किया गया।
मतलब खुदाई के दौरान मलबे में आई बाधा को दूर कर दिया गया। लेकिन इस काम को अंजाम देने में एनडीआरएफ की टीम को करीब 5 से 6 घंटे का वक्त लग गया। लेकिन रेस्क्यू टीम की चुनौती यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि सरिया फंसने की वजह से अमेरिकन ऑगर मशीन खराब हो गई थी और उसे ठीक करने के लिए दिल्ली से हेलीकॉप्टर की मदद से 7 एक्सपर्ट बुलाए गए। इसके बाद ऑगर मशीन को ठीक करने का काम शुरू हुआ और इसमें भी काफी वक्त गुजर गया। हालांकि बाद में ऑगर मशीन से एक बार फिर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि मजदूरों को सिलक्यारा की तरफ से डाले गए पाइप के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि रेस्क्यू टीम ने आपात स्थिति में मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए प्लान बी और प्लान सी भी तैयार कर रखा है, क्योंकि पिछले 12 दिन में कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा है। कभी मशीन खराब हो गई, कभी ड्रिलिंग के दौरान सरिया सामने आ गया, जबकि कुछ रोज पहले ही मशीन की कंपन की वजह से सुरंग में मलबा गिरने की भी खबर आई थी। इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्लान बी और प्लान सी भी तैयार कर रखा है। अधिकारियों के मुताबिक प्लान बी के तहत एक नहीं बल्कि 2 वर्टिकल ड्रिल यानी सुरंग में ऊपर से 2 छेद करने की तैयारी है। पहली वर्टिकल ड्रिलिंग 90 मीटर की होगी, जबकि दूसरी ड्रिलिंग 320 मीटर करने का प्लान बनाया गया। इसके अलावा प्लान सी के तहत टनल के दूसरे छोर यानी डंडाल गांव की तरफ से भी खुदाई की जा रही है। इसके लिए चट्टानों और पत्थरों को तोड़ने के लिए 3 ब्लास्ट तक किए जा चुके हैं। मतलब अगर सिलक्यारा की तरफ से किसी भी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रुका तो फिर वर्टिकल ड्रिलिंग और डंडाल गांव की तरफ से मजदूरों को निकालने का काम तेज कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी सूरत में मजदूरों तक पहुंचा जा सके। क्योंकि 12 दिन से सुरंग में फंसे होने की वजह से मजदूरों की हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है। इसी वजह से सिलक्यारा की तरफ सुरंग के पास 41 मजदूरों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 41 एम्बुलेंस तैयार रखी गई और उनकी मदद से मजदूरों को उत्तरकाशी के चिल्यानी सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा। वहां पहले से ही 41 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है। वहां तक पहुंचने के लिए करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा, इसीलिए वहां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, यानी मजदूरों को बिना किसी रुकावट के अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। और तो और टनल के बाहर 40 डॉक्टरों की एक टीम भी पहुंच चुकी है। किसी मजदूर की हालत ज्यादा खराब हुई तो उसे एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स ले जाने की भी तैयारी की गई है। और इसके लिए सिलक्यारा से 4 किलोमीटर की दूरी पर हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक इतने दिनों से सुरंग में फंसे होने की वजह से मजदूरों को डिप्रेशन की भी समस्या हो सकती है, इसीलिए सभी मजदूरों की एक एक करके काउंसलिंग भी की जाएगी। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे अहम है ऑगर ड्रिलिंग मशीन, यानी जमीन में खुदाई करने वाली मशीन, क्योंकि जिस जगह सुरंग में मजदूर फंसे हैं वहां तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसी वजह से मजदूरों को बचाने के लिए अमेरिका की ऑगर ड्रिलिंग मशीन को दिल्ली से मंगवाया गया था, जो पहाड़ का सीना चीर कर मजदूरों तक पहुंचने की ताकत रखती है। ऑगर ड्रिलिंग मशीन 2 तरह से काम करती है। जमीन में सीधा छेद करना हो तो वर्टिकल ऑगर ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। इसी तरह पहाड़ में सामने की तरफ खड़ी मिट्टी और पत्थरों की मजबूत दीवार को भेदना हो तब इंजीनियर हॉरिजॉन्टल ऑगर ड्रिलिंग मशीन लेकर आते हैं। इस मशीन में आगे छेद करने वाली हैमर रॉड यानी एक तरह का हथौड़ा लगा होता है। हैमर रॉड घूमते हुए मिट्टी और पत्थर की दीवार पर लगातार चोट करती है और फिर वहां से निकलने वाली मिट्टी आगे की तरफ नहीं गिरती। मिट्टी को पेचकस जैसी घुमावदार ड्रिलिंग मशीन पाइप के अंदर खींचती है और मिट्टी आगे की बजाय पीछे की तरफ निकालती रहती है, यानी उस जगह से निकालती रहती है जिस जगह से हैमर चलाया जा रहा है। यानी जमीन में छेद करने के लिए पुरानी तकनीक की तरह गड्ढा खोदना नहीं पड़ता। आसान शब्दों में कहें तो ये पहले हैमर से चोट करते हुए गड्ढा खोदती है और फिर पेचकस की तरह अंदर ड्रिल करती है और मिट्टी को पीछे की तरफ खींचती है। और इसी ताकतवर मशीन से सिलक्यारा की तरफ से मलबे में ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में 12 दिन से फंसे मजदूरों से बातचीत कर उनका मनोबल भी बढ़ाया और ये भरोसा दिया कि उन्हें अगले कुछ घंटों के अंदर सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में फंसे गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद नाम के 2 मजदूरों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मजदूरों को ये भरोसा दिया कि रेस्क्यू टीम कुछ ही घंटों के अंदर उन तक पहुंच जाएगी। बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। मुख्यमंत्री धामी ने मजदूरों से बातचीत के दौरान ये बताया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री मोदी भी नजर बनाए हुए हैं
और वो लगातार उनसे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मजदूरों ने भी मुख्यमंत्री को सुरंग में सभी के सुरक्षित होने और स्वस्थ होने की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि पाइप की मदद से उन तक लगातार खाना भी पहुंच रहा है। लेकिन इस दौरान उत्तरकाशी से आई एक खबर ने सबको चौंका दिया। वहां रहने वाले लोगों का मानना है कि हादसा इसलिए हुआ क्योंकि सुरंग के पास मौजूद एक मंदिर को तोड़ दिया गया था। सिलक्यारा में जिस जगह से सुरंग बनाई जा रही है उसके पास बौकनाग देवता का एक मंदिर था और उस मंदिर को सुरंग बनाने के दौरान तोड़ दिया गया था। वहां रहने वाले लोगों का मानना है कि इस घटना से बौकनाग देवता नाराज हो गए। लोगों का दावा है कि मंदिर टूटने से ही सुरंग में मजदूर फंसे। लोगों के मुताबिक बौकनाग देवता का मंदिर पहाड़ों के बीचों बीच मौजूद था। हर साल वहां मेला भी लगता था लेकिन प्रोजेक्ट के रास्ते में आने की वजह से मंदिर को ही हटा दिया गया। यहाँ पे किसी भी अवतरित हुए थे तो कहा था कि मेरे एक मंदिर लगा दो, तो कंपनी वालों ने ऐसा नहीं किया जिसके कारण से जो है बाबा वासुकीनाग जो है रुष्ट हो गए थे। हालांकि लोगों के कहने के बाद सिलक्यारा की तरफ सुरंग के बाहर बौकनाग देवता का एक छोटा मंदिर स्थापित कर दिया गया। टनल में जाने से पहले हर कोई उसमें सिर झुकाता है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सुरंग में जाने से पहले मंदिर में बौकनाग देवता की पूजा की। लोगों का ये भी मानना है कि मंदिर स्थापित होने के बाद देवता खुश हैं और सारे मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएंगे।